बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के, खसूसन बड़े जानवरों के हैवानें जब ख़राब हो जाते हैं और उनमें वो सोजिश होने लगती है, दर्द होने लगता है या दूध की रवानगी कम हो जाती है, ऐसी सूरत में जानवर को क्या चीज़ देनी चाहिए, क्या देसी खुराक देनी चाहिए, तो वो देसी जो है दवाई आज हम आपके सामने बनाएंगे। और ये दवाई बनाएंगे उस्ताद गुलाम रसूल साहब। तो इस दवाई को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह बनाना है, उसकी मुकम्मल लाइव ये जो है आप ला वीडियो को देखें और आपको इससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए ये नुस्खा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? अच्छा, ये नुस्खा बने दे पे हो जी? देखण ये केड़ी शय दा नुस्खा है? गांव दे थाना दे विच कटर दा सोजिश है और थाना दे विच ना मतलब ये हल्की ने कुटियां भी आ गए। अच्छा, उस दे आस्ते सारे केड़ी दे पाया उन्होंने ऐसा मिर्च ते थोड़ा जा आटा विच मिक्स करे तो केड़ी बनावण दे आस्ते। ठीक है, बनाएं भाई केड़ी। अच्छा, ये तकरीबन 20 ग्राम लाल मिर्च इसी जैन वाली हो, मतलब रंगीन रंग लाल मिर्च 20 ग्राम इसको एक बर्तन में डाल देना है। हां, 20 ग्राम और आटा बस उसके बाद एक पावणा है बजेड़े नाल पेड़ी बनवाने, मतलब ऐसे हल्की जी मुट्ठी चाहिए, एक मुट्ठी भर आटा, हल्की जी मुट्ठी भर इसके विच पाए। अच्छा, इसको जी असा मतलब आपते मिक्स कीता है, उसके बाद पानी विच पाए सु जनाब। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी डाला जा रहा है, ये देखें जी, ये मुनासिब पानी आपने डालना है ताकि ये जो ज़्यादा गीला भी ना हो जाए और एक मुनासिब पेड़ी जिस तरह होती है वो बन जाए। अभी मज़ीद थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छा, ये पेड़ी जो है उस्ताद गुलाम रसूल, ये दिन में कितने दफा देनी है? दिन दे विच फेकनी ही देनी है। अच्छा, और कितने दिन देनी है? वो मतलब इन्फेक्शन दे हिसाब नाल थोड़ा बहुत होवे तो बस दो पेड़ियां देवण नाल जी खत्म होवे सी बिल्कुल, अगर ज्यादा होवे तो तीन चार तक ही देनी पा सकदी हैं। अच्छा जी, ये देखिए तकरीबन पेड़ी अब तैयार हो चुकी है, उसके बाद हम गाय को देंगे आपके सामने। हमने अब रख दें ताकि हमारे दोस्त जो हैं वो इसको अच्छी तरह से देखें। ये पेड़ी है जी, ये तैयार हो गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जब ये तैयार हो जाए तो इसके ऊपर आटा डालकर इसको जो है छुपा देना है नीचे मर्चों को, ताकि गाय इसको आसानी से खा जाए। ये आप देख रहे हैं पेड़ी जब तैयार हो गई है तो उसको ऊपर आटा, उसके ऊपर खुश्क आटा वो लगा कर इस तरह सफ़ेद कर लिया जाता है। तो अब हम चलते हैं और गाय को खिलाते हैं। ठीक है जी, अब ये उसने खा ली है। हाँ जी जी, बस ये पेड़ी दे दी थी और इंशाल्लाह ताला कल इस टाइम पेड़ी और दे दे सू, इसका पहला ये इन्फेक्शन है, इंशाल्लाह ताला दो पेड़ियाँ देने नाल ये 100% दोस्त हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।